नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए एक नजर डालते हैं प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, राज्य सरकार राजस्थान पुलिस में आगामी 2 वर्षों में पुलिस कांस्टेबल के 8,438 पदों पर भर्ती करेगी। सीएम गहलोत ने इसके लिए गृह विभाग के प्रस्ताव पर वर्ष 2021 और 22, वर्ष 2022 और 23 के दौरान इन पदों पर भर्ती के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार राज्य बजट 2021 और 22 के दौरान सीएम गहलोत द्वारा की गई घोषणा के क्रम में वित्त वर्ष 2021 और 22 के दौरान राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के 4,438 रिक्त पदों पर और वर्ष 2022 और 23 के दौरान कांस्टेबल के 4,000 रिक्त पदों पर जयपुर स्थित पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड राजस्थान द्वारा भर्ती की जाएगी। सीएम गहलोत के इस निर्णय से प्रदेश के हजारों युवाओं को राजस्थान पुलिस में नौकरी के अवसर मिल सकेंगे। आपको बताते चले, गहलोत सरकार के इस बड़े फैसले के बाद बड़ी संख्या में पुलिस कांस्टेबल के नियोजित होने पर पुलिस विभाग कानून व्यवस्था के प्रबंधन एवं अपराध नियंत्रण के कार्य और अधिक प्रभावी रूप से कर पाएगा। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, सीएम गहलोत ने बेरोजगारों के लिए बड़ा फैसला लिया है। पुलिस कांस्टेबल के अब प्रदेश में 8,438 पदों पर जल्द भर्ती होगी। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर, राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण आजीविका का संकट झेल रहे 33 लाख निराश्रित असहाय और जरूरतमंद परिवारों को इस वर्ष की दूसरी किस्त के रूप में 1,000 रुपए की सहायता राशि देने के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देश पर कुल 330 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इसमें से 300 करोड़ रुपए IRSL तथा 30 करोड़ रुपए जिला कलेक्टरों को हस्तांतरित किए गए हैं। यह राशि जरूरतमंद परिवारों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी। आपको बता दें, यह सहायता कोरोना महामारी के कारण थड़ी ठेला चलाकर गुजारा चलाने वाले छोटे दुकानदारों, रिक्शा चालकों, निर्माण श्रमिकों, BPL, स्टेट BPL वह अंत्योदय योजना में शामिल लोग, स्ट्रीट वेंडर आदि ऐसे गरीब एवं असहाय परिवार जिन्हें सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनको यह राशि देय होगी। प्रदेश की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट, राजस्थान कांग्रेस में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल सीएम गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमों के बीच पिछले 1 साल से खींचतान चल रही है। वहीं अब मंत्रियों का आपसी विवाद सामने आने लगा है। मुख्यमंत्री और कांग्रेस आलाकमान की समझाइश के बाद भी मंत्रियों में लगातार टकराव जारी है। सीएम के विश्वस्त संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश मानने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे का मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ, उससे पहले ही कैबिनेट के मंत्री आपस में भिड़ गए। और अब तो खबर यह भी आ रही है कि सीएम गहलोत के एक उद्घाटन कार्यक्रम में मंत्री सुक्काराम विश्नोई ने भी दूरियां बनाए रखी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गहलोत सरकार में अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सत्ता और संगठन में खींचतान जारी है, एक के बाद एक हो रहे घटनाक्रमों से कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई अब खुलकर सामने आने लगी है। कोविड-19 को लेकर आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं। राजस्थान में आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो कोरोना संक्रमण अब काफी कम हो रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में सिर्फ 1,006 नए संक्रमित दर्ज किए गए हैं, जो पिछले महीने 2 अप्रैल के बाद अब तक आए केसों में बहुत कम है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना से 40 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में सबसे अधिक कोरोना से जयपुर में 8 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में एक्टिव केसों की बात करें तो राजस्थान में एक्टिव केसों की संख्या घटकर अब 24,000 के आसपास आ गई है। एक और बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको दे रहे हैं। प्रदेश भर में शुक्रवार से वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है और आज से लेकर अब मंगलवार सुबह 5 बजे तक जरूरी चीजों को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। मंगलवार सुबह 5 बजे तक तमाम बाजार बंद रहेंगे। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, दूध डेयरी की दुकानें, फल सब्जी की दुकानें, फल सब्जी के ठेले और खाने पीने से जुड़े हुए ठेलों को अनुमति होगी, लेकिन यह अनुमति सुबह 6 बजे से दोपहर 11 बजे तक ही होगी। बाकी लगभग सभी प्रकार के बाजार मंगलवार सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे, क्योंकि प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है। मंगलवार सुबह 5 बजे तक सभी बाजार बंद रहेंगे। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जरूरी चीजों को छोड़कर बाकी सभी जगह मंगलवार सुबह 5 बजे तक सख्त पाबंदियां रहेगी।
प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी अपडेट। आगामी 48 घंटों के दौरान राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, बीकानेर क्षेत्र में तेज आंधी चलने के साथ साथ कहीं कहीं पर बारिश होने की भी चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान के भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर सहित कई जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं हनुमानगढ़, गंगानगर, नागौर और पाली जिले में भी तेज धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट्स। राजस्थान की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।